बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ग्रीनिश चिकन लेग पीस की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान बनेगी। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून फ्राइड अनियन ले लिए हैं, 2 इलायचियाँ ले ली हैं, 3 काजू, 5 बादाम और 3 पिस्ता ले लिया है। इनका हम पेस्ट बना लेंगे। तो मिलते हैं आपसे पेस्ट बनाने के बाद। यहाँ पर मैंने 3 अदद लेग पीस ले लिए हैं, जिनका 1 kg वेट बनता है। इनको हम एक बाउल में ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर ये प्याज डाल देंगे, फ्राइड अनियन जिसको मैंने पीस लिया है, ये काजू बादाम पिस्ता और इलायची को भी हमने पीस लिया, ये ऐड कर देते हैं। अब हम इसके अंदर ये 1/2 कप योगर्ट ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम इसको डाल देते हैं। अब हम इसके अंदर 1 teaspoon सूखा धनिया ऐड कर देंगे, 1/2 teaspoon गरम मसाला, 1 teaspoon काली मिर्च और 1 teaspoon नमक। अब यहाँ पर हम इसके अंदर डाल देते हैं 1 tablespoon ग्रीन चटनी और इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चिकन पे अच्छे से इसको मैरिनेट कर लेते हैं। देख सकते हैं चिकन और मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको 2 घंटे के लिए कवर कर देंगे फॉइल पेपर से। तो मिलते हैं आपसे 2 घंटे के बाद। 2 घंटे हो गए हैं और चिकन हमारी मैरिनेट हो गई है। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर 3 tablespoon ऑयल ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे, 1/2 teaspoon, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का ऐड कर देंगे और 3 अदद लौंग ऐड कर देंगे। इनको हम ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे 1/2 मिनट के लिए। अब हम इसके अंदर लेग पीस डाल देंगे। लेग पीस को अच्छे से हम फ्राई करेंगे। इस टाइम पे आपने फ्लेम को लो नहीं रखना, इस टाइम पे आपने फ्लेम को हाई रखना है, ताकि लेग पीस पे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ सके। हम लेग पीस की साइड चेंज करते हैं। वाह, देख सकते हैं आप कितना अच्छा इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आया है। दूसरी तरफ को भी हमने इस तरह का ही गोल्डन ब्राउन कलर दिलवाना है। दोनों तरफ से लेग पीस अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब जो मसाला बचा था उसके अंदर हमने पानी मिक्स किया है, तो वो ऐड कर देते हैं इसके अंदर। और अब हम इसको 20 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। कवर को हटाएंगे और इसके अंदर अदरक डाल देंगे, बारीक कटा हुआ लंबा 1 tablespoon, 1 tablespoon कोकोनट डाल देंगे और 1 teaspoon हम इसके अंदर ये सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और इसकी हम साइड चेंज करेंगे। अब हम इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। पीस हमारे मुकम्मल तौर पर टेंडर हो गए हैं और मुकम्मल तौर पर ये तैयार हो गए हैं। अब हम इसको कोयले का धुआं देते हैं। कोयले को हमने प्रीहीट कर लिया। अब हम इसके ऊपर 1 tablespoon ऑयल ऐड करते हैं और इसको कवर कर देते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की आज की रेसिपी हमारी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।